Happy Holi guys to all of you. Happy Holi. Happy Holi. खास तो इसलिए होगी क्योंकि 9th मार्च को हमारी फिल्म आ रही है और एक अजीब सा मतलब हमारे में एक उत्साह है, आप बोल सकते हैं उत्साह। दिखाओ तो उत्साह, तो दिखाओ थोड़ा उत्साह। आप इन लोगों से देख लीजिए, मैं सिर्फ बात करती हूँ। तो यहाँ पर साकिब सलीम, अभिलाष, संतोष बरमोला, ये सब मेरे साथ अपना उत्साह दिखाने के लिए ही है। उत्साह यार, इस साल अलग इसलिए होगा क्योंकि शायद मैं होली पे अपनी पिक्चर सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वरना हर साल मैं ऐसे ही रूप में मिलता हूँ लोगों को होली पे। इट्स अ फेस्टिवल दैट आई रियली एंजॉय, मुझे बड़ा मज़ा आता है। एक सेकेंड मुझे बड़ा मज़ा आता है होली खेलने में, क्योंकि आई थिंक होली एक ऐसा फेस्टिवल है जो सबको साथ जोड़ता है और इट सेलिब्रेट्स लव एंड टुगेदरनेस। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है अपने जंगलियों के साथ होली खेलने में। तो इस साल मैं अपने जंगलियों के साथ होली खेलूंगा सिनेमा हॉल के बाहर और आप सब दिल जंगली देखेंगे सिनेमा हॉल के अंदर। ऐसे ही था भाई फॉर मी दिस फिल्म। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दिस फिल्म इज अ फिल्म दैट आई हैव रियली एंजॉयड मेकिंग, बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोसेस विद आलिया बीइंग द कैप्टन ऑफ द शिप। आई थिंक एक बड़ा अच्छा माहौल था इस पिक्चर पे, मैंने बड़ी अच्छी दोस्तियां बनाई है इस पिक्चर पे, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे जैसा हम बिहेव कर रहे हैं। आई थिंक मुझे तो बहुत मजा आया है, बाकी तो आप ये भाई क्या झूठ बोलता है ये साफ साफ। कैमरा के सामने बोलना पड़ता है यार। भाई साहब हम एक्टर जितने होते थे हम लोगों को ये औरत ऐसे सलाखों के पीछे रखती थी, फिर बोलती थी अब शॉर्ट हो गया, बार तीन तीन दिन खाना नहीं देती थी हमको। नहीं नहीं, बहुत प्यार से हैंडल किया था इनको, टाइम से खाना पिलाना, अपने हाथों से खिलाती थी दीदी, अपने हाथों से खिलाती थी। और नहीं, सो बेसिकली मेरी पहली फिल्म है और मैंने जो अपना जर्नी मैं आपको यही शेयर कर सकती हूँ कि बहुत ही समथिंग विच आई रिमेम्बर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज पहले आलिया का जवाब तो तूने इतनी देर से सवाल बनाया एक घंटे से है, अभी जवाब तो होने दे। देखिए ऐसा है कि हमारा जो फर्स्ट कैट था ना वो लंदन में हुआ था जो कि 30-35 दिन का था और हम सभी जो है पहली बार मिले थे। और आलिया तो पहली बार लंदन गई थी। नहीं नहीं, ये सब शायद पहली बार गए होंगे, मैं तो थोड़ी पहुंची हुई हूँ। एटलीस्ट आपने माना तो। तो उस दौरान नो जब काम किया हमने तो आई रियलाइज दे ऑल बिकेम बाय डिफॉल्ट माय फैमिली, दैट इज व्हाट आई केम बैक विद। इमोशनल कर दिया लड़की ने। तो फैमिली ना, हम सब बच्चे ही थे ना भाई, हम सब छोटे बच्चे ना, कितने प्यार से रखा था ना। मैं ज्यादातर ऐसे ही रहता हूँ इनका जो रोल है फिल्म में भी उनको वैसे ही अभी तक कैरेक्टर में है, उन्होंने कहा है कि मैं कैरेक्टर से हल्का सा भी बाहर नहीं जाऊंगा। संतोष को कोई गुड मॉर्निंग बोलता है सिर्फ मॉर्निंग में जवाब देता है क्योंकि वही जरूरी है। खाई कंज्यूम की भी है, यार मुझे पता नहीं था। एक बार मुझे ठंडाई बोल के भांग पिला दी गई मुझे मेरे दोस्तों ने, तो उसके बाद जो हुआ मुझे याद नहीं है, तो आई कांट टेल यू व्हाट माय एक्सपीरियंस ऑन भांग हैज बीन लाइक। नहीं कुछ पता ही नहीं था, एक ब्लैकआउट हो जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता क्या हुआ था। सब कह रहे थे तू बड़ा हंस रहा था, हंसना तेरा रुक ही नहीं रहा था और तू पता नहीं बहुत सारे लड्डू खा गया उसके बाद, तो ऐसी सारी चीज़ें मुझे लोगों ने बताई बट मुझे कुछ भी याद नहीं। तो मैं दिल्ली के आर्ट कॉलेज से हूँ और वहाँ की जो होली है बहुत मशहूर है। ऐसा तो हमने तो सुना ही नहीं, हमने तो सुनी नहीं तुम्हारे आर्ट कॉलेज की होली। ओए यार क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पीले ना, पूल है वहाँ पर ना, होली के दिन ठंडाई या बोल लीजिए या भांग वगैरह ये कॉमन है, भांग के लड्डू वगैरह। आलिया तो भांग की गोली सीधा खा जाती है। नहीं तो मैंने सिर्फ एक ही बार लिया था और बिकॉज मैं आर्ट कॉलेज की स्टूडेंट हूँ तो मुझे सब कुछ ऐसे स्क्वायर स्क्वायर नजर आ रहा था, क्यों नजर आ रहा था पता नहीं।
भाई। अरे इनसे मत पूछो, इनसे पूछेगा भी नहीं है तब भी जवाब। एक्सक्यूज मी, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। देखो है, बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा है बचपन। आप बैठ जाओ, मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा जवाब देने। कुछ नहीं भाई, मैंने तो सिर्फ एक बार, मेरा एक दोस्त है देव, तो उसने भांग गिरी थी और उसके बाद बोला था मेरे हाथ पिघल रहे हैं। तो ऐसे ही नशे होते हैं, ट्रिप होती है क्या अलग से कुछ? आई डोंट नो, मुझे तो स्लो याद नहीं। मुझे याद है स्लो मोशन हो गया था सब कुछ। लूज मोशन होता है? अरे वो बाद में होता है। मैं जवाब देता हूँ संतोष का। इसे, नहीं इसे तुम नहीं, जवाब खत्म। हाँ संतोष, तुमने कभी क्या? नहीं, मेरे को एक बार गलती से पिला दिया था। हमारे साथ गलतियाँ कितनी हो रही है ना, मैंने भी गलती से पी है, बताओ। मुझे लगा था लस्सी है। देखिए इनकी शक्लों पे मत जाइएगा, ये सब ये देखिए इन शक्ल पे, इधर आ भाई, तो कैमरा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ना जाए इनके मासूमियत पे। बट भाई और बस फिर से मासूमियत देख मेरी शक्ल। भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज, संतोष जो है उसने हिंदुस्तान में कम ही होली मनाई है, लंदन में होली मनाता है। हाँ यार, यू शुड टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस। इंटरेस्टिंग होली कैसी होती है? होली अभी एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि इट्स बिकमिंग वेरी पॉपुलर बाहर के देशों में भी। काफ़ी लोग इंग्लैंड में, लंदन में काफ़ी ज़ोर शोर से होली मनाते हैं, ट्रफलगर स्क्वायर में, हर जगह। मतलब आई थिंक बहुत बड़ी हमारी इंडियन कम्युनिटी है वहाँ पे, और मतलब कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि अब US से लेके, यूरोप से लेके, अब मतलब कि बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट लव एंड फ्रेंडशिप, विच इज़ वॉट आवर मूवी इज़ ऑल अबाउट, यू नो। सो तो लोग होली कम, हमारी फिल्म ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट तो ये कहना चाहता है भाई हमारा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू लोग, थैंक यू। आप हमारी पिक्चर की मेकिंग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा माहौल होता था, कि मेरा और तापसी का एकदम इंटेंस रोमांटिक सीन चल रहा है और जैसे ही कट हुआ हम एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। तो आई थिंक तापसी के साथ ना यार एक बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई है, नॉट ओनली मेरी बट सबकी। आई थिंक एक रिलेशनशिप हमारा इस फिल्म पे ऐसा बना है कि सब एवरीबडी, बिकॉज यू आर अ यंग टीम, तो सब एवरीबडी वाज लुकिंग आउट फॉर ईच अदर। सो आई थिंक वो एक रिलेशनशिप बन गया है। और यार पता है, सच्ची बाय गॉड कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया कि हमने पिक्चर बनाई कैसी है। इतनी प्यार मोहब्बत मस्ती मज़े में ये पिक्चर बनी है। पिक्चर ख़त्म होने के बाद पता चला है कि अच्छा पिक्चर ख़त्म हो गई, फिर दुख हुआ एक महीना कि पिक्चर क्यों ख़त्म हो गई है। यूजुअली फिल्में होती हैं कि एक पॉइंट के बाद आप कहते हो अच्छा यार अब जल्दी ख़त्म हो जा, अब मुझे अगली पिक्चर करनी है, अब मैं कुछ अगला करना चाहता हूँ। बट ये फिल्म ऐसी थी कि अभी वी बीन मेकिंग दिस फॉर अ ईयर एंड हाफ, कि मन ही नहीं कर रहा, इसलिए हमने 16 फेब से 9 मार्च की रिलीज डेट कर दी, कि मन ही नहीं कर रहा है यार अपने से जुदा करने का। बिकॉज होली है और होली का दिन बड़ा गजब का होता है। चलो अनुराधापुरा, कम ऑन अनुराधापुरा, 1 2 3 गो। गजब का है दिन, सोचो जरा ये दीवानापन, देखो जरा हम भी अकेले, तुम भी अकेले, मजा आ रहा है। बहुत गंदा काम से, कसम से। बाकी आप हमारा देखो, ओरिजिनल लव यू, तुम बहुत अच्छे सिंगर्स हो, बट वी आर आल्सो नॉट बैड। एंड हैप्पी होली, हैप्पी होली टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस। And Dil Jangli on 9th March. Yeah, 9th March, Dil Jangli. 8 March को दुबई में भी रिलीज हो जाएगी। और मेरी पहली फिल्म में देखना। मेरी भी। So all the Rohini people who know Abhilash should watch it. दिल्ली के मेरे 10 दोस्त। All the people from Trafalgar Square should watch it. Thank you. All the people from CR Park watch it. Watch it. और जो बाकी बच गए हैं वो भी देख लेना। Done यार, जाएं यार। जी जी सर, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप एक्शन बोलो बस। यू कॉल एक्शन, होली प्ले, होली प्ले।
या म्यूजिक म्यूजिक फील के लिए बोल बोल केमिकल है भाई ये अब हो गई तू मुसलमान हेलो बोली क्या म्यूजिक अरे आज के नहीं आती है तो एक काम करते ना ऑन एक्शन सारे कैमरे की तरफ नहीं 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 हम कर ले केमिकल अपने मुंह पे तुम्हारा कैमरा नहीं खराब हुआ अल्ले आओ ना हमारे साथ हमसे दूर क्यों खड़ी हो रही हो दीदी आप पे ही आ गया वॉश इट चलो अंदर यू वॉश योर फेस कहाँ जा रही दीदी अभी नहीं आना सजन Oh my God! Like, what is that? Just a little bit of a tikka, ladies and gentlemen. Ready, 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 guys. This is the record. Okay, ladies and gentlemen. Hey! Ah! Happy Holi, Happy Holi, Santosh. पहली बार आपको बड़ा अच्छा लग रहा है. I'm gonna see you.